हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मामला थाना बिरसा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोंगरिया का है, जहां पीड़ित व्यक्ति गणपत पंद्रे के खेत से पेड़ा चोरी हुई थी, जिसे लेकर गांव के ही व्यक्ति को उसने पेड़ा चुराने की घटना को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आपको बता दें, गणपत और पेड़ा चोरी करने वाले ने पेड़ा चोरी की बात को आपस में सुलझा लिया था और यही बात ग्राम के उप सरपंच को नागवार गुजरी। इसी बात का फायदा उठाकर उप सरपंच पवन पटेल द्वारा पीड़ित व्यक्ति को बार बार प्रताड़ित कर पंचायत बिठाया और ग्राम पंचायत में गणपत पंद्रे सहित ग्राम के ही अन्य तीन व्यक्तियों पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये तो वही कहावत हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। सब बताएंगे, इन्हीं लोग बताएंगे उसका बारे में। सियान कैसे बनाए? आपने जो पैसा दिया वो डर के मारे दिया। डर के मारे तो क्या करेंगे, डर के मारे देना पड़ा ना भाई, नहीं तो जांच से बाहर फेंकते हैं। यहाँ गांव से बाहर किसी साथ बात नहीं कर सकता, किसी साथ कुछ नहीं कर सकते। आपको जात के बाहर फेंकेंगे, आना जाना बंद, पानी बंद, यहाँ यह नियम है यहाँ पे। हाँ ऐसा है, यहाँ पे पकड़ो रे, पकड़ो ना रे, काटो रे, ऐसा है। हाँ कितना बकरा फंसे हैं रे, इतना बकरा रे, काटो रे इनको रे। नाम गणपत पंद्रे जी। क्या नाम है आपके? गणपत पंद्रे। हाँ, ग्राम पंचायत डोंगरिया जी। अच्छा, ये जो आपके साथ मामला हुआ है, क्या है मामला पूरा? पूरा मामला ये है जी कि मेरा खेत से पैरा 6 बजे सुबह कोई गुहर आना है, उसने मेरे खेत से पैरा भरा और वो लाया, तो यहाँ पे ये सामने मेरा घर के सामने उसको पकड़ लिया मैंने, और मोहल्ले वाले कपूर रहांग डाले, अर्जुन मसराम, दिलीप पटले, ये सब पकड़ लिए। पकड़ ले तो वो घर ले गया। वो अच्छा, घर ले गया। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल, कुछ लोगों के नहीं, यहाँ जितने लोग आए सबका आरोप है कि आपके यहाँ सरपंच ही आप नहीं, आपका उप सरपंच करता है और उप सरपंच ही दबंगाई करता है, सारी चीजों को वो दम से करता है। ये नहीं मानता, ऐसा नहीं मानते हैं। फिर आपकी गैर मौजूदगी में कैसे वो बैठक ले लिया? पंचायत प्रतिनिधि हूँ मैं, बिल्कुल अपने हिसाब से पंच है, उनके हिसाब से काम कर रहा हूं। नहीं, उप सरपंच ने बैठक ले ली और 12,000 रुपए भी ले ली चार लोगों से, 3,000 रुपए के। जिसके खेत में चोरी होती है, चोरी वाला रिपोर्ट करता है, उसका समझौता भी आपस में हो जाता है, परंतु